राहुल जी फिर जयपुर आ गए, राहुल जी फिर जयपुर आ गए, छा गए, नया इतिहास बना गए और मां और मातृत्व अभी भी प्रश्न खड़ा करके चले गए। मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं आपको। आज देखो राहुल जी का ही है कि सीधो साधो बड़ो आदमी है। अब सीधा साधा बड़ो आदमी ने घर को काम करना चाहिए, राजनीति में टांग अड़ा रहे, देश का क्यों नुकसान करे भाई? ये बहुत बड़ी बात है। आप सब पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, सियाल साहब बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मदर एंड मदर से, मतलब मामा और मातृत्व में क्या फर्क है? मैं ये मीडिया वाले भाई से पूछता हूं, आपसे पूछता हूं, अरे जिसमें मातृत्व नहीं है वो मां नहीं हो सकती, जिसमें हिंदुत्व नहीं है वो हिंदू कैसे हो सकता है, जिसमें राष्ट्रीयता नहीं, जिसमें इंसानियत नहीं वो इंसान कैसे हो सकता है? इंसान के रूप में तो राक्षस भी है। अरे मेरे भाई राहुल जी और आपको लिखाने वाले समझाने वाले बेचारो सीधो साधो बोलो है, पान तो कोई लिखकर दे दियो कि ये बोल लो है, तीन चार और बोलियो कि मैं भूल क्यों नहीं हूं कि मैंने बोल तो किया नहीं, हाँ बोल दिया, और बोलो और बोलो। अरे जिसमें राष्ट्रीयता नहीं हो राष्ट्र का व्रत नहीं हो सकता, देश पर बोझ है वो, और जिसमें मातृत्व नहीं, अगर भी औरत में माँ का माँ भी का मन में बेटा के प्रति प्रेम नहीं, सम्मान नहीं, या आपका बेटा का नहीं, अगर भी का के लालन पोषण की भावना नहीं, मां कैसे हो सकती है? कई ऐसे प्रश्न है, मातृत्व के बिना मां नहीं हो सकती और मानवता के बिना मानव नहीं हो सकता, ये चीजें खुली पड़ी है। लेकिन बाने बेचारा ने इसलिए इन लोगों ने भ्रमित किया है। सम्मानित मंच और सभी मेरे सामने भाइयों, कांग्रेस ने फूट डाल के राज किया, फूट डाल के, इसका सीधा साधा उदाहरण है, अरे एक हिंदू जाति में ही फूट डाल रहे, मतलब फूट का मतलब हिंदू और हिंदुत्व को अलग कर रहे हैं। अरे तुम मान और मात्र तुम अलग कर दे हो, राष्ट्रीयता राष्ट्र अलग कर दे हो, इनका क्या है? इनको इसमें फायदा मिला हुआ है। दुख की बात है कि वह हजारों लोग खड़े थे सियाल साहब, और हिंदुत्व और हिंदू की परिभाषा को अलग अलग करने के बाद में वो तारियां बजा रहे थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, ज्यादातर लोगों को उनको भ्रमित कर दिया गया कि हिंदुत्व और हिंदू में फर्क है ही नहीं, रात दिन का फर्क है। अगर जो हिंदुत्व नहीं है वो हिंदू के नाम से बोझ है।